आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू टीवीएस की रेडर का यहाँ पे बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल जो कि सुपर स्क्वाड एडिशन में फाइनली यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। और आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि सुपर स्क्वाड एडिशन में बाइक कब तक आएगी, तो फाइनली कंपनी ने स्टॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारे सामने ये जो मॉडल प्रेजेंट है ये है इसका यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लैक पैंथर एडिशन। दो मॉडल्स कंपनी ने लॉन्च किया है, एक है आयरन मैन एडिशन, दूसरा है यहाँ पे ब्लैक पैंथर एडिशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी फिलहाल में सिर्फ ब्लैक वाला जो कलर ऑप्शन है वही आया है। बाइक देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है और करेंटली अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो एक शोरूम आपको मिल जाता है 1,01,305 रुपीज़ के अप्रॉक्स में, 1,01,305 रुपये के अप्रॉक्स में आपको मिलती है। और ऑन रोड की अगर हम बात करते हैं तो ऑन रोड फ्रेंड्स ये बाइक जा रही है 1,21,600 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स सिवा टीवीएस धनबाद में, तो अगर आप धनबाद एरिया से बिलोंग करते हैं तो शोरूम में विजिट कर लें, बाइक का स्टॉक्स आपको मिल जाएगा। बाकी अगर हम डिज़ाइन और ग्राफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको न्यू देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राफिक्स ऐड कर दिया गया है जिसमें कि सुपर स्क्वाड एडिशन की आपको बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स मिल जाता है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक पैंथर वाला जो ग्राफिक्स है वो आपको मिलता है, और यहाँ पे भी आपको कंपनी 66 लिखा हुआ प्रोवाइड कर रही है। तो ओवरऑल में अगर आप डिज़ाइन वाइज देखते हैं तो बाइक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको मिल रही है। यहाँ पे आपको एवेंजर का लोगो मिल जाता है, और अगर आप साइड से डिज़ाइन देखते हैं तो फ्रंट के फेंडर के ऊपर भी यहाँ पे ग्राफिक्स वर्क किया गया है। साथ के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट के अलॉय व्हील्स में भी आपको यहाँ पे रिम टेप मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसके सीट के बारे में तो कंपनी यहाँ पे आपको स्प्लिट में सीट प्रोवाइड कर रही है, और टेल लाइट्स आपको मिल जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे एलईडी में। ये भी आप यहाँ पे इसका बैक से जो डिज़ाइन है वो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको वकांडा फॉरएवर की बैजिंग मिल जाएगी। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये जो मॉडल है कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है यहाँ पे नॉर्मल वाले डिस्प्ले में, मतलब ये आप नॉर्मल डिस्प्ले देख पा रहे होंगे, ये TFT डिस्प्ले नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी कुछ आपको इस टाइप से यहाँ पे मीटर स्टार्ट होती है, एक चार्जिंग का कंपनी यहाँ पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। और ये फ्रेंड्स आ रहा है E20 अपडेट्स के साथ, मतलब 20% इथेनॉल वाला जो पेट्रोल है ये बाइक सपोर्ट करने वाली है। तो ओवरऑल में अगर आप डिज़ाइन वाइज देखते हैं तो 125 सीसी सेगमेंट फ्रेंड्स बाइक अब और भी ज़्यादा प्रीमियम हो चुकी है, और अगर आप नॉर्मल मॉडल से कंपेयर करेंगे तो आपको लगभग में यहाँ पे 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, बट वो जो प्राइस है काफ़ी जस्टिफाइड है क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, और देखने में भी बाइक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। एक आपको डिफरेंट रोड प्रेजेंस ये बाइक प्रोवाइड करने वाली है। बाकी अगर आप नॉर्मल मॉडल को देखते हैं तो ये काफ़ी सिंपल सी लगने लगी है इसके आने के बाद, और यहाँ पर आप इसका जो डिज़ाइन है वो देख सकते हैं। अगर हम हैंडल बार्स के सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है हाई बीम, लो बीम, पास, इंडिकेटर्स, हॉर्न, इस साइड में कंपनी आपको प्रोवाइड करती है इको और पावर, दो राइडिंग मोड्स आपको मिलता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक स्टार्ट आपको मिल रहा है। और अगर आप इसके डिस्प्ले को देखते हैं तो विजिबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको E20 की बैजिंग भी मिल जाती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको इसका जो कलर ऑप्शन है वो यहाँ पे कैसा लगा है। अगर फ्रंट से हम बात करते हैं तो लाइट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको LED में DRLs मिलता है, LED में ही कंपनी लाइट्स प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ से आपको फ्रेंड्स दिख जाएगा इसका इंजन काउल जो कि फ्रेंड्स इसमें भी आपको ग्राफिक्स वर्क मिल जाता है, और टॉप से कुछ ऐसा व्यूज़ यहाँ पे आता है बाइक का। फ्रंट के फेंडर के ऊपर भी यहाँ पे ग्राफिक्स वर्क किया गया है, और यहाँ पे इंडियन फ्लैग का लोगो आपको मिल जाता है। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके इंडिकेटर्स की तो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है बल्ब में, इंडिकेटर्स कंपनी यहाँ पर आपको बल्ब में प्रोवाइड कर रही है जो कि फ्रेंड्स कुछ इस डिज़ाइन में यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर अगर आप इसके सीट्स को देखते हैं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको सीट्स यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर 66 की आपको बैजिंग मिलती है। स्प्लिट सीट वाले मॉडल में ये बाइक यहाँ पे अवेलेबल है, एवेंजर का एक यहाँ पे आपको लोगो मिलेगा जिससे कि फ्रेंड्स आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे नॉर्मल मॉडल और यहाँ पे फ्रेंड्स एवेंजर एडिशन में। तो ये एक यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है, जैसे कि कंपनी आपको एन टॉर्क में प्रोवाइड कर रही थी मार्बल एडिशन या सुपर स्क्वाड एडिशन, उसी तरह से अब आपको फ्रेंड्स रेडर में भी मिल रहा है, और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि और भी कंपनी सुपर हीरोज को यहाँ पे ऐड करेगी। तो अगर आपका बजट जो है वो लगभग में फ्रेंड्स 1,25,000 रुपये के अप्रॉक्स का है तो ज़रूर से बाइक को एक बार चेकआउट कर लें। बाकी पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये कलर ऑप्शन मुझे अच्छा लगा है, और चेंजेस की अगर आप बात करते हैं तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है। पीछे का जो ग्रैब रेल है उसका भी कलर चेंज कर दिया गया है, नॉर्मली फ्रेंड्स आता था यहाँ पर आपका सिल्वर कलर में, बट इस बार जो मॉडल कंपनी ने दिया है इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर में आपको प्रोवाइड कर रही है ग्रैब हैंडल्स, और ये भी पोर्शन जो है ये भी ब्लैक कर दिया गया है। पीछे का जो पैनल है पहले सिल्वर में ही आता था, आप ब्लैक ले या फिर रेड ले या फिर कोई सा भी आप कलर परचेस करें सब में सिल्वर आता था, बट यहाँ पे अब आपको वो कलर चेंज मिल रहा है। और साथ के साथ फ्रेंड्स अगर आप टायर्स भी देखते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रिप के साथ टायर्स मिलती है, ओपन चेन सिस्टम के साथ बाइक आ रही है, साड़ी गार्ड, लेडीज फुटरेस्ट वगैरह सब आपको बाइक के साथ में यहाँ पे मिल जाएगा। साथ के साथ अगर आप फ्रेंड्स देखते हैं तो 5-स्पीड गियरबॉक्स का सेटअप आपको मिलता है, और साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी कंपनी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, मतलब अगर आपका साइड स्टैंड डाउन रहेगा तो बाइक गियर में स्टार्ट नहीं होगी। तो सेफ्टी वाइज फ्रेंड्स ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा बना देता है इस बाइक को। बाकी बेसिकली अगर आप देखते हैं तो ये भी बाइक एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जो कि यहाँ पे रेडर के एक न्यू मॉडल को परचेस करना चाह रहे थे, और इस बार कंपनी यहाँ पे स्टॉक्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है। काफ़ी टाइम से स्टॉक्स का प्रॉब्लम चल रहा था, बट इस बार उम्मीद है कि दिवाली धनतेरस में आपको बाइक यहाँ पे मिल जाएगी।
तो बस आज के इस वीडियो को फ्रेंड्स हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं होप करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गई हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बाइक लेना है तो शोरूम पर विजिट कर ले, अभी फिलहाल में तो फ्रेंड्स स्टॉक है, अब कब तक बचेगा वो कहना मुश्किल है, इसलिए जिन्हें भी लेना है वो जल्दी से आकर बाइक को बुक करा दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।